हेलो अनस, सलाम अलैकुम। इंडिया वर्सेस श्रीलंका कल से गुवाहाटी में स्टार्ट है, सभी एक्साइटेड हैं। साल 2020 का पहला T20 मैच इंडिया खेलेगा और वो भी अपने होम ग्राउंड पे, तो मज़ा तो आएगा। बुमराह की वापसी, शिखर धवन की वापसी, रोहित शर्मा का रेस्ट। रोहित शर्मा को हम मिस करेंगे, बट ठीक है, बुमराह और शिखर धवन को देखते हैं कि वो वापस आने के बाद कैसा परफॉर्म करते हैं। हमारा अपना ये ख्याल था हमारी टीम का कि बुमराह को अभी रेस्ट कराया जा सकता था इस सीरीज़ में भी, क्योंकि आगे इससे बड़ी सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बुमराह वहाँ ज़्यादा। लेकिन खैर, अब एक दफ़ा आ जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, बट नए प्लेयर्स को चांस मिल जाता है इस दफ़ा। लेकिन नवदीप सैनी ने कहा है कि जी बुमराह की वापसी से हमें, मुझे काफ़ी सीखने को मिलेगा बुमराह के साथ नेट्स में, और मैं अपनी बॉलिंग के हवाले से उनसे डिस्कस करूँगा। साथ साथ इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है, अभी मैच जारी है। साउथ अफ्रीका शुरू में 3 विकेट खोने के बाद अच्छी पोजीशन में आ गया है। जेम्स एंडरसन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड में गालियां शालियां दे रहे हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लबुशेंग के 200 रन, और वो 200 रन ही थे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में अगर देखें तो, उसके अलावा इतना कुछ नज़र नहीं आया और दूसरे खिलाड़ियों की तरफ से। न्यूजीलैंड का अभी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है। 400-450 रन काफ़ी बड़ा है पहली इनिंग के हिसाब से टारगेट, देखते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे अपने दोनों दोस्तों से। चलते हैं फी भाई की तरफ, ज़रा विराट कोहली के एक स्टेटमेंट पे बात करनी है सबसे पहले फी भाई से। फी भाई, कैसे आप? क्या हाल है सागर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? वासे भाई कैसे? आप सुनाए भाई, क्या बोला विराट कोहली साहब ने टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, 4-day test? भाई अभी पिछले कुछ अर्से पहले विराट कोहली ने टेस्ट के हवाले से एक बात करी थी, वो पूरी उस तरह से डिटेल उसकी नहीं आई थी। अब तकरीबन क्लियरली उसने एक्सप्लेन कर दिया कि टेस्ट 5 दिन का ही होना चाहिए और वो डे नाइट हो भले या डे हो, ठीक है, उसका जो मज़ा 5 दिन में वो 4 दिन में हो नहीं सकता है। और फिर जब आप बात करते हैं कि क्रिकेट जा रही है, क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट जा रही है, लोग उस तरह से आते नहीं हैं उसके अंदर, तो मेरे ख्याल में अभी आप देख लें इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन इंडिया के अंदर, इवन बांग्लादेश में या वेस्ट इंडीज़ में भी, इवन पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा पिंडी के अंदर जिस तरह से लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को 5वें दिन, 3rd, 4th और 5वें दिन नज़र आते हैं लोग ज़्यादातर, खासतौर पर फॉलो करते हैं। तो यार 5 दिन, मैं तो 6 दिन कह रहा था शायद कोहली 6 दिन पे जाएगा, मगर ये कि 5 दिन का टेस्ट होना चाहिए। चले, मतलब ये डिबेट अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, क्योंकि जाहिर है BCCI बैक करेगा कोहली को, और जब BCCI बैक करेगा तो ICC नहीं। माजी में डे एंड नाइट टेस्ट मैच की जो सिफारिश थी उसको उन्होंने बैक किया था कि यार हाँ इंटरेस्टिंग बनाए क्राउड के लिए, उनके लिए खेलते हैं, लेकिन गंगोली के आने के बाद ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि इसको शॉर्टेंड कर दिया जाए। यकीनी तौर पर हम जो बात करते हैं कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे इस डिबेट पर, क्योंकि उनका रोल ख़त्म हो जाएगा ना। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो असाइन रोल्स का नाम है कि पहले दिन जो है पेसर्स का ज़्यादा रोल नज़र आता है टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे आते हैं तो फिर बैटर्स का रोल ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो सबको इक्वल मौके मिलते हैं। तो स्पिनर्स के लिए 4th और 5वां दिन ही बहुत अहम समझा जाता है और गेम पूरा टर्न अराउंड होता है। तो यकीनी तौर पर कि मेरा ख्याल से अब ICC को कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए इस पर, और टेस्ट क्रिकेट को 5 दिन तक ही रह देना चाहिए। हर काम में जिद्दत ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को जो है ना उसमें परिवर्तन या चेंजेस जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होता। मेरे ख्याल में ICC का सवाबदीद भी नहीं है 4 दिन का, ये MCC का सवाबदीद है बिल्कुल, मैंने और जो क्रिकेट लॉज जो है जो होल्ड करते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है, हम डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, डिबेट हुई। ICC ने तो वैसे भी एक जो है वो सजेशन दिए, कोई ICC ने कोई अभी कुछ अप्लाई तो नहीं किया, उन्होंने खाली एक सजेशन दिया कि हो सकता है टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और जैसे नासिर हुसैन ने कहा है और भी दूसरे प्लेयर्स ने कहा है कि यार एटलीस्ट इसको एक चांस दे दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि चॉइस दे दी जाए, जो भी टीम्स हैं उनको चॉइस दे दी जाए कि यार आप 4 डे खेलना चाहते हैं, 5 डे खेलना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं या जिन पे आप काम कर सकते हैं। का रोल फिर होगा, फिर रोल होगा, बड़ी तगड़ी बनानी पड़ेगी। आप देखें ना आप कैसा फंसा हुआ चल रहा है, वेदर का फिर रोल होगा, आ रहे हैं उस तरफ, आ रहे हैं और उसी तरफ आना है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक तवील अरसे से हम जो बात कर रहे हैं खुसूसन कैफे क्रिकेट में, जब से हम बात करना शुरू हुए हैं तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज हो रही है कि यहाँ पर मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है, सेशन बाय सेशन चल रहा है। एक सेशन में किसी का अपर हैंड है तो अगले सेशन में वो टीम फिर 2 विकेट्स लूज कर जाती है तो नीचे चली जाती है। तो बड़ा अच्छा मैच हो रहा है, और इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 121 पर 3 विकेटें गिरी हुई है साउथ अफ्रीका की। डीन एल्गर बहुत तंग कर रहे हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं जेम्स एंडरसन को, और एक आधा बॉल अगर ओवर में वो बीट कर जाते हैं तो उसके बाद जेम्स एंडरसन जो हमने देखा कि बड़े वो अजीब अजीब सी बातें उन्हें कर रहे हैं। यार मैं तो अभी सागर भाई ने कहा ना फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, वो माँ बहन की गालियां दे रहा है एंडरसन को,
जेम्स एंडरसन, हाँ तो छह बॉलों में से दो बॉलें अगर तुम्हारी कीपर के पास जा रही हैं स्विंग होकर, तो उसमें तुम बैट्समैन को गालियां क्यों दे रहे हो यार? मतलब इतने क्लोज कैमरे से उसकी शक्ल दिखा रहे हैं, गलत बात है। इतने सीजन बॉलर को इस तरह की अग्रेशन दिखानी नहीं चाहिए, और एंडरसन इस तरह का एग्रेसिव बॉलर रहा भी नहीं है, वो तो बड़ा आउट करने के बाद ब्रॉड को आप कह सकते हैं, ब्रॉड जरा करता है बात करता है बैट्समैन के पास, एकदम करीब चला जाता है। एंडरसन न जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई थिंक वो चाहते हैं कि ओवरसीज जो हम बात कर रहे हैं, देखा आपने आपको जेम्स एंडरसन ने स्टुअर्ट ब्रॉड को बिठाने की बात की जा रही थी इस टेस्ट से पहले, और ये शायद अपनी आखिरी इनिंग है जो उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है इन दोनों, मतलब इज्जत देने की वजह से चल रहे हैं। बहुत खेल यार, बहुत खेल लिया। मेरा हमेशा से ये रहा है कि एंडरसन हुआ, ये ब्रॉड हुआ, ये इंग्लैंड तक तो आप कह सकते हैं कि वो ड्यूक का बॉल बताया, ब्रॉड तो चलते हैं बाहर, एंडरसन की तो बॉलिंग ही पूरी स्विंग है ना, वो तो वो जो अवे स्विंग है उनकी या वो लेफ्टी के लिए जो एंगल बना, अच्छा बॉल का ही बॉल, अच्छा कमबैक है, तो अच्छा मैच हो रहा है। जरा लबु शेंग की 200 पर आ जाते हैं, 200 रन कर दिए कल, पूरा तारुफ भी कराया था, और आज हम देख रहे थे कि हर्षल गिब्स ने जो है ना ये मैसेज कन्वे किया है कि पूरी दुनिया में जो उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन है ना वो बड़ा मसला है, कि वो जिस तरह से लिखते हैं अगर हम देखें तो वो चैगने बनता है, तो वो ये है कि वो लबु शेंग है, कुछ लोग उसके एस भी साइलेंट करते हैं, तो गिब्स ने बताया कि पहले तो उनके नाम की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बताई जाए लोगों को, उस तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई है, कैंपेन वाला और शैंपेन वाला है काम कहानी, उससे उन्होंने एक मुमासलत भी उसको दी है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई नाम में क्या रखा है, काम देख लो, तो काम तो 200 वाला किया है, और साउथ अफ्रीका बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उसने इस तरह का प्लेयर अगर मिस कर दिया और वो माइग्रेट कर गया ऑस्ट्रेलिया में, और क्वींसलैंड ने फिर उसको निखारा पॉलिश किया, और अब वो बता रहा है। और कल हम देख रहे थे कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार वो एशिया में परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि लबु शेंग में पूरी सलाहियत है, जिस तरह उसने विल समरविल को टैकल किया है और जिस तरह ऑफ स्पिनर को और दीगर स्पिनर्स को टैकल किया है ना, तो ये फील्ड में भी बड़ा तेज है, आगे आके सबसे अच्छी बात है कि गेंद की पिच पर जाके ये जो है स्ट्रेट बैट से ज्यादा खेल रहा है, मिड ऑन और मिड ऑफ जो है ना लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल पीछे भी था, तो समटाइम्स ये एयर में हल्का सा डिसीव भी हुआ, तो इसका फ्लो इतना अच्छा है बैट का कि ये स्ट्रेट बैट के साथ सीधा गया है, तो आई थिंक कि ये एशिया में सक्सेसफुल होने की भी अलामत है इस तरह की स्किल्स, जिस तरह का ये प्लेयर है। अब देखना यह है कि जब ये आ रहा है अभी भारत तो ये क्या करता है। देखें ये अभी आप कह रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका ने मिस किया, 10 साल की उम्र में माइग्रेट कर गया था, बिल्कुल वो 10 साल की उम्र में, तो छोटी उम्र में कर गया, ये स्कूल में वो खेलते थे तो वहाँ रग्बी खेलते थे, उस वक्त ये क्रिकेट नहीं खेलते थे, बिल्कुल सही, क्लग ड्रॉप के रहने वाले, मैंने थोड़ा सा पढ़ा इनके हवाले, आप तो खुद बहुत रहे साउथ अफ्रीका, हाँ तो ये डेलिस वैली से थोड़ा सा आगे, पोचेस्ट्रोम से थोड़ा सा पहले, उस वक्त ये पैदा हो गया था, और क्रिकेट बहुत खेली जाती है, आपको नहीं मिला बचपन में, मुझे नहीं मिला, मैं आपको बच्चे नहीं मिले, शॉन पोलक से जरूर मिला ब्लूम फाउंटेन में एक मरतब, हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात हुई, मैं किसी जानने वाले, कैसा पर्सन है, अच्छा है पर्सन, क्या अच्छा स्पोर्ट्स मैन है, बस अच्छा क्या, वो भी उनका अर्ली करियर है जबकि मैं बात कर रहा हूँ, 97-98 बड़ी धूम थी, हर्षल लबु शेंग के नाम की बात करें, इनका खुद का नाम भी तो काफी हर्षल जो है, उसकी स्पेलिंग्स खैर अजीब से हैं, लेकिन चलें। अच्छा अब इंडिया वर्सेस श्रीलंका पे आजा, राजा पक्षा भी स्कूल से आइडेंटिफाई कर लिया गया था, अब दो लीग्स में भी चल पड़ा है भाई, वो उसकी धूम मच गई है जब से यहाँ पर वो पाकिस्तान में रन्स बना के गया, T20 में बड़ा कलीदी रोल था, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि ये एक्स फैक्टर साबित हो सकता है लड़का, क्योंकि ये भी बड़ा निडर और बड़ा स्टिल हेड के साथ हिटिंग करने वाला बंदा है, बहुत ज्यादा कमिट नहीं करता, हेड फॉल नहीं करता इसका कहीं, जब निकलता भी है तो इसका हेड सीधा ही रहता है, यानी कि किसी शॉट के लिए प्री प्लान नहीं तैयार खड़ा हुआ होता, ये गेंदता है कि मुझे गेंद किस लेंथ पे मिलती है, फिर ये आखिरी लमात में फैसला करता है, यार हमारी ये खासा है सेटर का। तो वो डिकवेला और डिसिल्वा जो है वो अब तो मसला नहीं पड़ेगा वहाँ इंडिया में, तो मेरे ख्याल से लोग जानते होंगे डिकवेला और डिसिल्वा, हाँ निरशान डिकवेला को भी जानते हैं, डिसिल्वा को भी जानते हैं, कोई जो है वो डिकवेला को डिसिल्वा नहीं बोलेगा, अच्छा वहाँ नहीं बोलेगा, यहाँ हो जाती है इस तरह की गलतियां सरजद हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी। अच्छा आप बुमराह की वापसी हुई है, हमारा अभी जो हम शो अपनी रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि यार बुमराह को इसमें भी रेस्ट कराया जा सकता था, अगर मतलब नए बॉलर्स को चांस दिया जा सकता था, अगेंस्ट श्रीलंका इतनी मुश्किल टीम नहीं है, इतनी टफ अपोजिशन नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया है, बट ये कि बुमराह टेस्ट हो जाएंगे इन 3 T20s में, बुमराह की फिटनेस और उनका जो कमबैक हो रहा है 4 महीने बाद, तो ज़रा पता चल जाएगा कि
एक स्क्वाड में ले लिया अपोजिशन, ये गेम टैक्टिक्स भी होती हैं और ये कोहली ने अच्छा फैसला किया, उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अब ये कल देखना होगा क्योंकि ओपन्स तो जो ओपन करेंगे धवन और केएल राहुल, वो तो कोहली ने कल कह दिया अपनी मीडिया ब्रीफिंग के अंदर के भाई ये दोनों तो होंगे, मगर ये कि बुमराह का देखना होगा। बुमराह को रेस्ट कराया जा सकता है, ये बात ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा कोई सीरीज है नहीं, मगर इस वक्त श्रीलंका अपने फुल स्विंग में आया है और पूरी कंप्लीट साइड है उनकी और वो अभी विनर भी रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो एक अच्छा गेम खेलते हुए हैं। कोहली में ख्याल में चांस नहीं लेगा, वो बुमराह पे रिलाई करेंगे, साथ में नवदीप सैनी होंगे उनके, और हो सकता है कि मजा आएगा। दोनों मुंबई इंडियंस के बुमराह और मलिंगा आमने सामने होंगे, तो एक अच्छा गेम नजर आ रहा है कल, एक अच्छा गेम। हाँ बिल्कुल, ये आगाज अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर यूटिलाइज कल हो गया अच्छा मैच के अंदर तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, नहीं हमारी राय ये थी कि ये सीरीज है लेकिन हो सकता है। देखें अगर आप टेक्निकली देखें तो बुमराह को जो भी फिटनेस के मसाइल थे उसके बाद वापसी हुई है, तो उनका मैच फिटनेस भी हासिल करना ना, मैच फॉर्म भी एक चीज होती है, वो हासिल करना भी बहुत जरूरी है। तो यकीनी तौर पर होम क्राउड में लेस प्रेशर में जो है बुमराह को इस अपोजिशन के खिलाफ खिलाने का यही मतलब और मकसद हो सकता है कि वो फ्लो में आ जाए। और मैं हर्षा भोगले साहब जिनका मैं बड़ा फैन हूँ, मैं उनको एक उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहीं ये कहा है कि शिखर धवन के लिए ये सीरीज बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि T20 में उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की दूसरी वाइट बॉल क्रिकेट में है 50 ओवर्स में। तो यकीनी तौर पर लेकिन शिखर धवन एक ऐसा किरदार है कि जब भी लोगों ने ये समझा कि यार शिखर धवन की जगह फला ले लेगा, ये तो गया, ये तो वापस नहीं आएगा, वो उसी वक्त बहुत बड़े रन्स कर देते। देखिए यार ये एक ब्लफ कोहली ने, मैं कह रहा हूँ जब शिखर धवन को अनाउंस कर रहा है कि वो ओपन करेंगे इंडिया की तरफ से, तो बुमराह को ना कहना इसका मतलब ये गेम टैक्टिक्स है और ये कल प्लेइंग 11 जो अनाउंस होगा। बुमराह का ड्रेसिंग रूम में बैठना भी आई थिंक नौजवान बॉलर्स ने बड़ा कॉन्फिडेंस स्टार्ट के दोनों मैच पहले और दूसरा T20 जो है ना वो बुमराह पे जाएगा, बुमराह पे जाएगा। और शिखर धवन का बस थोड़ा सा ये है कि यार वो फिर इसके बाद एक बड़ा इवेंट आ रहा है तो वो इंजर्ड ना हो जाए, बस मुझे उनका ये डर लगता है कि वो रीसेंट जो पास्ट है उनका वो थोड़ा सा इंजरी प्रोन है अब। और साथ साथ T20 रन गेटर में रोहित शर्मा से एक रन पीछे हैं कोहली, कल एक रन बनाकर, हालांकि रोहित शर्मा रेस्ट पर हैं, दोनों खेल रहे होते तो मजा आता ना कि यार आगे पीछे, दो इनिंग्स कम है कोहली की, इनिंग्स की बात नहीं इस वक्त, तो रन्स की बात हो रही है, आपस की दोनों की चल रही है। ये बड़ा मजेदार सीन है कि यार जब कोहली बैठता है तो रोहित आगे निकल जाता है और रोहित बैठता है तो कोहली आगे निकल जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं ये लोग, और इनके करीब तरीन कोई भी नहीं, इनका इनका मुकाबला घर में ही है भाई, मुकाबला घर में ही है, रोहित कोहली बुमराह शामी कुलदीप चहल इन लोगों का आपस में ही कॉम्पिटिशन चलता रहता है, आपस में ही ये लोग एक दूसरे से आगे निकलते रहते हैं। देखें माजी बाकी चीजें देखें अब के किस तरह से लेके चलते हैं ये लोग, क्योंकि श्रीलंका के पास भी एक अच्छा मौका है क्योंकि इंडिया में जो ट्रैक्स हैं वो सूट तो करते हैं इनके स्टाइल ऑफ प्ले को, खेलते रहते हैं कम से कम, इनके पास ये मौका है कि वो इस बार जो है अपनी अहमियत बताएं, स्पेशली कि अब T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना, इसका आलमी कप वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर ही वाली बात है, पता ही नहीं चल रहा वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, तो अब ये है कि 6-7 महीने रह गए, तो भाई इसी में इनको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना है, एक कॉम्बिनेशन सेट करना है और एक टीम बना के निकालनी है यहाँ से श्रीलंका को, तो ये सीरीज इनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए जो है ना बूस्टर साबित होनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। आप वो एक बच्चे का जिक्र कर रहे थे अंडर 19 वाले, हाँ कासिम अकरम का जिक्र कर रहा था हमने कुछ दिन पहले, याद होगा आपको आमिर अली के हवाले से बात करी जो दादू का बोलर है, परसों की है, बिल्कुल की है, और वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। इसी तरह इंडिया के भी हम कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो डेडिकेटेड प्लेयर्स हैं, मतलब जो ऐसा टैलेंट था जिसको आना चाहिए था, इंडिया ने लिया, इधर पाकिस्तान भी इसी तरह की एक अच्छी साइड बना के भेज रहा है। ये कासिम अकरम है, ये क्योंकि क्रिकेट का शौक इनको बहुत ज्यादा था और 10-11 साल की उम्र में क्रिकेट के स्टेडियम पे जाके खड़े हो जाया करते थे, कोर्ट ख्वाजा सईद क्रिकेट क्लब है कोई, तो वहाँ पर वो अक्सर ग्राउंड के बाहर खड़े होते थे, तो वहाँ का जो कोच था उसने बोला कि भाई अगर तुमने स्टेडियम में आना है तो तुम बॉलें उठा लेना, आके स्टेडियम में उठा के बॉलें फेंका करना, तो वो एज अ बॉल पिकर वो स्टेडियम के अंदर आया और कालम बहुत। और आप ये देखें कि एक दिन ऐसा हुआ कि क्लब का कोई मेन बॉलर था वो आदम दस्याब था और इसको मौका दिया गया, इसने वहाँ परफॉर्म किया, घर जाने में देर हो गई, घर पहुंचा, इधर परफॉर्मेंस करके घर पहुंचा, अब्बा ने कूट दिया पकड़ के, अब्बा ने बोला बेटे किधर तुम गायब हो गए, यार मैं क्रिकेट खेल रहा था मैं ग्राउंड के अंदर, तो उन्होंने बोला मैं लुंडा बाजार में ठेला लगाता हूँ, तेरे भाई वहीं बैठते हैं, तू क्रिकेट खेलेगा क्यों, अपने आप को खराब कर रहा है। मगर हेड्स ऑफ टू इसके बड़े भाई जो दोनों थे, उन्होंने कासिम अकरम को बैक किया और कहा कि तुम क्रिकेट खेलो,
और वो मौका अल्लाह ने दिया, फिर उसकी मेहनत भी थी। और ये वो प्योर टैलेंट होता है जो किसी भी कंट्री के ऑनर, किसी भी कंट्री को ऑनर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। और अब ये बच्चा साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप अंडर 19 जी वर्ल्ड हाँ कप में खेलने के लिए पाकिस्तान की जानिब से परफॉर्म अच्छी करेगा। अच्छी बात ये है आप कि ये देखें कि दो अब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इवन यही मैं श्रीलंका हो, यही आ रहा बांग्लादेश था, हो, सब में इस यहाँ तरह के लोग आ रहे हैं। सब जैसे में इस हमने तरह। पहले बात की, हाँ वो जयसवाल वहां तो नहीं, लेकिन उसके अलावा प्रियाम गर्ग की बात की, कि सब हाँ इस तरह से हम्बल बैकग्राउंड से आकर हाँ जो एकदम आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मिसालें इटसेल्फ बोलती हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसे किरदारों को प्रमोट करना किसी भी क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा साइन है, कोई बिल्कुल भी ठीक करे, कहा आपने। पाकिस्तान में हो, भारत में हो, श्रीलंका में हो, सब कॉन्टिनेंट अच्छा, की मैं क्रिकेट को साथ साथ उतना मैं जरूरी है। यही कह रहा था कि मुझे इस बच्चे का बॉल पिकर जो, जिसका हाँ मैंने बताया हाँ कासिम अकरम कासिम का, ये लबुशेंग को 2014-15 चौदह की वाला सीरीज थी इंडिया की, इंडिया वाली और वहाँ पर इसको जो बॉल है पिकर, वो ब्रिस्बेन के अंदर जनाब हाँ एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डर बुलाया डाला था, गया, तो इसने एक इंतहाई मुश्किल कैच, कैच लिया था, अरुण वरुण वरुण क्या नाम है उसका, अरुण वरुण का लिया वरुण था अरुण दिल्ली का वाला, लिया हाँ इसने, बिल्कुल और फिर उसके बाद से इसको मुस्तकिल एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डर, डाला गया, और एज अ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट ही वो स्मिथ की खेला जगह खेलने आया। वो उस रूल के तहत, और ये नहीं हुआ कि स्मिथ की जगह खा गया वो, हाँ स्मिथ की ठीक है, जगह स्मिथ की तो जगह बनी स्मिथ थी, स्मिथ है, उसको अलग बस जगह मिली उसको खेलने के अलग लिए, जगह मिल गई। खेलने के अब लिए। उनकी जगह है मुश्किल में जो अब आएंगे, आज के मैच में देख लेंगे, अगर 200 रन उसके निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी ने स्कोर नहीं हाँ किया। आधे हाँ आधे के बिल्कुल, करीब ही रन है उसके, मतलब अकेला लबुशेंग है। इरफान पठान ने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है, रिटायरमेंट ले तो ली, इरफान पठान को मुबारकबाद, उनकी खिदमात पे जाहिर है अच्छा मुबारकबाद, है यार, मतलब अच्छा कराची प्लेयर में था, आके हैट्रिक हैट्रिक की करना और वो थी, सब, अच्छा प्लेयर, और अच्छी हैट्रिक यादें में छोड़ दो के बड़े गए प्लेयर्स वो, गिराए, अच्छी हैट्रिक में दो बड़े प्लेयर्स थे। यादें अमूमन छोड़ हम के देखते गए। हैं टेलेंडर्स पर होती है हैट्रिक, नई बॉल पहले ही ओवर, कराची टेस्ट बड़ा तारीखी टेस्ट था वो, आखिर में पाकिस्तान ने वो टेस्ट जीत लिया था, 3 विकेटें गिरा दी थी अच्छी तरह, बिल्कुल नक्श रहता है। कामरान अकमल ने पाकिस्तान को भंवर से निकाला था, आई थिंक के कामरान अकमल की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग थी, वो बेस्ट इनिंग थी क्योंकि विनिंग कॉज में आ गई, और उससे पहले उनकी जो बेस्ट टेस्ट क्रिकेट में इनिंग थी वो उसी से फौरन पहले जो है मोहाली में जो टेस्ट मैच बचाया था उन्होंने। उसके साथ ही प्रियाम गर्ग ने अंडर 19 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 110 रन बनाए, जाहिर है जो हाँ उनके आगे जाके अंडर काम आएंगे नाइनटीन वो वर्ल्ड कप के चीज़। उसमें जाहिर है इरफान पठान का थोड़ा रहेगा। सा मैं बता दूं कि यार ये जाने जाते हैं 2007 इनॉगरल T20 वर्ल्ड कप हाँ से, उसमें बिल्कुल क्योंकि इनकी उस परफॉर्मेंस ने इंडिया को फर्स्ट टाइम उस हाँ टाइटल दिखाया था, आरपी टाइटल सिंह की बड़ी अच्छी दिलवाया। और बॉलिंग थी मुझे याद उसमें, है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही इनका पढ़ा था, तो अभी मैंने दोबारा से रिचेक किया, तो जब ये पाकिस्तान आया 2004 में, 2004-05 हाँ की उसको सीरीज पहले थी जिसमें बिल्कुल कराची टेस्ट में इन्होंने हैट्रिक बिल्कुल, करी, उससे पहले एक साहब ने, ये हमारे पांच छह लेजेंड वाली सीरीज थी, हमारे लेजेंड ने भी, इन्होंने कहा कि ऐसे बॉलर तो गली गली मोहल्ले में में, मिलते हैं ठीक बिल्कुल है। और बिल्कुल उसके गली में, अलावा कुछ अखबारात ने उनके हवाले से ये भी कहा कि यार ये ब्लू आइड बॉय है इंडियन क्रिकेट का, हाँ। मगर उस ब्लू आइड बॉय ने आपने देखा कि तकरीबन 10-12 एक साल एक जो है मुझे वो तहफ्फुज़, एक तकलीफ है इनके करियर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से ये आए थे ये थोड़े तेज भी थे ना, बाद में इनका पेस ड्रॉप डाउन कर गया, वरना इस किस्म का बॉलर जो नई बॉल से स्विंग, देखे आमिर की क्या बात है, वही बात है ना कि स्विंग करता है, अगर इनका पेस जो है 138-140 तक रहता, सरवाइव करते ही इस स्पीड के साथ, हालांकि बड़ा मुश्किल था इसको ड्रॉप करना, लेकिन वसीम भैया अकरम से वो मुशाबहत सिमिलैरिटी बताई जाती थी आसिम इनकी। है, लेकिन जिस वर्ल्ड और कप की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो बस एक आदमी का था वो वर्ल्ड कप, और उसका नाम था जोगिंदर शर्मा, जोगिंदर शर्मा, जोगिंदर हाँ शर्मा वो का, लास्ट बॉल पर वो वर्ल्ड स्कूप कप तो कर उसी गए मिस आदमी बॉल, का बिल्कुल था। बस जोगिंदर शर्मा, उसके बाद फिर वो नजर वहां नहीं आया, से बस चिन्हाई के लिए उसी नजर में आया, आया और उसी में ही चला एक गया, तरफ लेकिन यार कमाल कर गया वो आदमी कमाल कर आखिरी, गया, एक तरफ हीरो गया और दूसरी तरफ आखिर तक जीरो आया जीरो आया बिल्कुल किस्मत यही में। है। चलो और ठीक चिन्हाई के बात लिए है, काफी खेला वो बाद में भी, नहीं हाँ दूसरा चेन्नई सुपर इरफान चिनाई करते पठान को करते, आप अगर आप देख लें, तकरीबन सारी फ्रेंचाइजी से ही खेल चुके हैं, और अब आखिरी किंग्स इलेवन हाँ पंजाब जिससे जुड़े अब हैं, नहीं, अब तो जुड़े खैर उनका वो अपना और जो कोचिंग जो भी वो उन्होंने नहीं, अपनी लेकिन अकेडमी बड़े अच्छे बनाई ही है, है, हाँ पठान अकेडमी, हाँ हाँ पठान से अकेडमी, अच्छा, इन्होंने पठान अपने वर्सेस बेटे का टीम, नाम जो जो रखा हुआ इमरान इमरान खान के ऊपर रखा, हाँ मेरा उनसे एक सवाल ये है कि भाई जब आपने अपने बेटे का नाम इमरान खान रख लिया तो उसके आगे पठान लगाने की पठान क्या लगाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत है, फिर इमरान या खान तो खान कर दें या पठान, पठान नहीं वो कर दें। फैमिली नेम है ना पठान, तो उनका फैमिली नेम है ना, तो हाँ वो जोड़ना तो लाजमी है। चले अभी मेरे ख्याल से चलते हैं, आज और मेरा कुछ ख्याल से बचा है बस हमारे करते पास? हैं, हाँ नहीं बस मैं यही है कि हम अभी प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डलेगा 1-2 घंटे के बाद आई थिंक, तो अब तक की जो अपडेट्स हैं कल के बता दें हम लोग, क्योंकि आज ये साउथ, थोड़ा सा रिव्यू हमने कर लिया हाँ इंडिया वर्सेस श्रीलंका जी का, हाँ, तो फिर कल मैच के बाद ही इंशाल्लाह बैठेंगे हाँ और ये देखेंगे जरूरी क्या है। पोजीशन बनती है। और साउथ अफ्रीका अच्छा जा रहा है, और वेंडर डिसन हमने पहले भी बात की है कि बहुत एक पॉलिश किस्म का प्लेयर लगता है इनकी डोमेस्टिक में, पहले वनडे में आया और परफॉर्म किया, अब टेस्ट में आया, मैंने इस सीरीज से पहले कहा था कि ये लड़का रन जरूर बना देगा इस सीरीज में कहीं ना कहीं, तो बड़ा अच्छा मौका अब तक उसके पास नजर आ रहा है, 42 रन वो इस वक्त तक कर चुका है जब हम प्रोग्राम को
रिकॉर्ड में क्लोज कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर खेल जब खत्म होगा तो हमें पता चल जाएगा ये कहां तक तो पहुंचा। कल फिर गुवाहाटी में मुलाकात होगी भाई मैच के बाद। मेरी तरफ से तो कोहली को मुबारकबाद हो कल के मैच के लिए इन एडवांस दोनों टीम्स को हम मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मैच के बाद फौरन बाद लाइव आपसे। अभी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज। और हमारी ये ट्विटर और इंस्टाग्राम की पट्टियाँ देख लें, इस पर हम लोगों को आप फॉलो वॉलो करें, कमेंट करें, ट्रोल करें, जो करना है करें, लेकिन चैनल जरूर। अच्छा, कल रात में मेरी एक दुबई बेस्ड है इंडियन शादाब खान, वो काफ़ी मुझे मैसेजेस कर रहे थे, तो वो कहने लगे कि यार मुझे ये बता दीजिए कि आप लाइव कब करेंगे, तो मैं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ लाइव में। तो पार्टिसिपेशन आपकी सवाल के साथ हो सकती है, आपके कमेंट के साथ हो सकती है। फेसबुक हमारा है, फेसबुक लाइव करेंगे, आप देखना चाहें मैसेज करें, हमें इनबॉक्स करें, हमारे जो कैफे क्रिकेट का फेसबुक पेज है उस पर आप हमें मैसेज करें। बिल्कुल, और हमें सवाल कल मैच के फौरन बाद हम लोग आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।